गाइस वेलकम बैक माय चैनल। नकरी वाली महीने के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आई होप, उम्मीद करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं नन्नू और मुन्नू के स्कूल, जो कि आज पेरेंट्स मीटिंग है। ये लोग बहुत खुश हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग मुझे अपने स्कूल दिखा रहे हैं। मतलब ये लोग मुझे अपने स्कूल लेके आए हैं, तो मतलब वो तरह कितना ज़्यादा चहक रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और नन्नू देखो कितनी आगे आगे जा रही है। नन्नू का ऐसा कहना है कि मुन्नू को ज़्यादा डांट पड़ेगी, मुझे कम पड़ेगी। और मुन्नू का ऐसा कह रहा है कि दीदी को ज़्यादा पड़ेगी, मुझे कम पड़ेगी। फिलहाल तो यहाँ पे ये नन्नू का क्लास पे आ गई थी, और मुन्नू की क्लास पहले हो गई थी, वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई। और क्या नाम है, यहाँ पे हम बैठे हुए थे, ये बड़ी वाली बेटी की क्लास है मेरी, ये जो बगल में बैठी है। इधर उधर स्मार्टनेस देखो अपनी क्लास की, अलग ही है इनकी। और इनकी रितु मैम थी यहाँ पे, उन्हीं वही ले रही थी, सबको अटेंड कर रही थी। फिर ये मुन्नू की क्लास, ये यहाँ पे हमने पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर ली थी, हम चले गए थे। इनकी काका काका की कहानी है यहाँ पे, कुछ इस तरह से थी। फिर उसके बाद में हम झूला झुलाएंगे कि इनको भाई मम्मा मेरे स्कूल के झूले झुला दो, ऐसे खुद डेली झूलेंगे तो नहीं, मगर मेरे साथ में इनको अलग ही परफॉर्मेंस देनी रहती है। तो भाई मैंने कहा चलो भाई झूल लेते हैं, चलो चलो बच्चों का मैंने तो भाई निराश नहीं किया जाए, भले इनकी बैठ मुझे डांट डांट के झुलाती हूँ। बहुत से बड़े बच्चे इन यूनिफॉर्म में आए थे, और बहुत सारे बच्चे सिविल ड्रेस में गए हुए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मुझे डर लग रहा था कि मेरे बच्चे कहीं गिर ना पड़े चूल्हे से, क्योंकि मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये लोग ज़्यादा ही मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ने झूला वूला झूला, अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा भाई ज़्यादा देर नहीं करना, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब घमसी टाइप की धूप थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, हवा नहीं चल रही थी। फिर हमने चल दिए, गेट से बाहर निकल रहे थे, तो सारे पेरेंट्स मिल रहे थे, कुछ जान पहचान के, कुछ कुछ ना कुछ। उसके बाद में सारी चीज़ें थी, इन दोनों का खेल स्टार्ट था, और ये खेले जा रहे थे। फिर हम अपनी एक्टिवा पे आ गए। हाय भाई, क्योंकि हमें जाना है डीमार्ट, और उसके पहले इनको खाना था समोसे। तो हम आ गए यहाँ पे अन्नपूर्णा स्वीट्स पे, इनके लिए समोसे लिए यहाँ पे, क्योंकि और भी चीज़, क्योंकि ऑलरेडी हम नाश्ता कर मतलब हमने करा के लेके गए थे लोगों को, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे सिर्फ समोसे खाने, क्योंकि डीमार्ट से ऑलरेडी इन्हें चॉकलेट्स लेनी थी, इसलिए ऐसे ही। तो हमने यहाँ पे खाए समोसे, और यहाँ पे भी इन्होंने झूला झूला पानी की बोतल में लेके गई थी, क्योंकि हर जगह का मैं पानी चेंज करके नहीं पिलाती हूँ बच्चों को, ना तो मैं खुद पीती हूँ। फिर हम वहाँ से निकले तो मस्ती करते, क्योंकि ये हाईवे है तो हम थोड़ा सा ध्यान से, हमने बस वीडियो बनाया था रोक के, क्योंकि दो बच्चों के साथ में चलती गाड़ी पर वीडियो नहीं बनाए मैंने, अच्छे काम किए, क्योंकि मुझे पता है ब्लॉग अगर सब देखेंगे तो मुझे जबरन में डांट पड़ेगी। तो हम लोगों ने ले लिया डीमार्ट से सारा सामान, और अब जा रहे घर। कुछ सामान लिया मैंने बेकरी, जैसे कि केक बनाने का ले लिया ना, और इन दोनों की चॉकलेट्स चाहिए थी ना इनको। हम घर आ गए हैं, थक गई हूँ, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई है। बेकी उठी हुई, सारा सामान लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना क्रीम वगैरह चाहिए था तो केक के लिए, सारा सामान लेके आ गई हूँ। अब देखते हैं केक बनाऊंगी, पता नहीं कैसे बनता है कैसा नहीं बनता है। उन लोगों को हक्का नूडल्स खाने के, वो भी लेके आई हूँ, और मैं एक बार ये बैटर लेके आई हूँ, देखती हूँ इसका कैसे बनता है। ये मिक्स है पूरा वनीला फ्लेवर पे, तो ये मैं ये लेके आई हूँ, इसको भी देखती हूँ ट्राई करती हूँ ये कैसे बनता है। बाकी अमूल का बटर तो कितना भी लाओ कम ही पड़ जाता है। और ये पाव लाई हूँ, कल कुछ सोच रही हूँ मैं पाव भाजी बनाऊँ, क्योंकि पता है बहुत सारी चीज़ें खा के, छोले पनीर तो मेरा इच्छा ही नहीं होती देखने की। अब मैंने दो संडे रेगुलर पता है छोले खाए हैं, अब मैं कल छोले नहीं खा सकती हूँ, तो कल मैं कुछ और बनाऊँगी। ब्रेड तो ले आई हूँ, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है, मेरा तो चाय पीने का मन हो रहा है। ये वाली ब्रेड ना मुझे चाय के साथ बहुत पसंद है, बटर लगा के। तो और मैं सेवई लेके आई हूँ, क्योंकि कभी कभी छोटी सी भूख लगती है ना, तो ये वाली सेवई ना बहुत अच्छी लगती है, बना लो दूध में डाल दो, क्योंकि ये सिकी हुई रहती है, प्रॉपर सिकी रहती है, बस इसको दूध बॉयल करो अच्छे से डालो, और जो भी है इसको गाढ़ा गाढ़ा पका लो, बन गई आपकी। और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चॉकलेट लेके आई हूँ, क्योंकि इससे ना वो चॉकलेट केक बनाने के लिए, और कुछ डेकोरेशन का सामान है ये, और नन्नू के लिए ये टिफिन लेके आई हूँ, क्योंकि नन्नू को वो वाला जो टिफिन था ना, ये वाला क्या होता है ना, इतने हैवी टिफिन ले लो और बच्चे ना बिल्कुल भी चला नहीं पाते हैं,
6 महीने भी ये टिफिन नहीं चला देखो, और इतना से चल गया है। और ये ख़राब भी हो जाते हैं यार, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा वैसा हावर्ड बिल्ला टाइप का टिफिन नहीं लेना है, ये लिया था। इसके साथ में छोटा सा टिफिन ये भी है इसमें, और मुझे सही भी लगा, एयर टाइट डिब्बा है, बेस्ट है यार। और ये बॉटल भी सेम टू सेम है। और पता है आज मैं इतना सारा ककड़ी लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे कुकम्बर बहुत 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 पसंद है। पूरे 3 किलो कुकम्बर लेके आई हूँ मैं। तो मेरे कुछ बर्तन थे, मैंने वो धुले, ये जो भी नया टिफिन लेके वो भी, क्योंकि क्या होता है कि हम बाहर का कोई भी सामान होता है ना, पहले वॉश करते हैं उसके बाद में ही हम यूज़ करते हैं। ये कंटेनर लेके आई हूँ इसमें केक बनाने के लिए, डी मार्ट में यही वाला डिज़ाइन था, तो मैंने ये लिए। फिलहाल मुझे गोल शेप में चाहिए था, बट नहीं था, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी तो फिलहाल मैं ये लेके आ गई हूँ। और स्पून भी है नन्नू की टिफिन में। और मैंगो लेके आई हूँ, मैंगो तो पता ही है आप लोगों को मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो इन लोगों के लिए मैं कुकम्बर छील लेती हूँ, थोड़ा सा खाना। पूड़ी बना के गई थी पता है इन लोगों के लिए बनाई, बट मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होती ना तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग छूट जाती मैम, क्योंकि 7:30 तक ही अलाउड था वहाँ पे। तो चलो अभी हम ककड़ी वगैरह छील के देते बच्चों को खाने के लिए, और करेंगे थोड़ा सा। तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत थक गई। मेरी आँखों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी थक गई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग सो के उठ गए हैं, तो अब थोड़ा सही लग रहा है, टाइम हो रहा है हमारे यहाँ 5:30 हो गया है। तो कल मैंने बनाने जा रही थी चॉकलेट केक, बट हम नहीं बना पाए थे क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें नहीं थी, मीन्स ये कंटेनर नहीं था मेरे पास में। तो आज मैं कंटेनर लेके आई हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ, मुझे आता नहीं बनाना। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिया बिस्किट का, जो भी ये मैंने मेल्ट किया था, पीसा था, और उसके बाद में सेवई भी बनानी है और हक्का नूडल्स भी बनानी है। सारी चीज़ें मुझे खाने में बनानी थी, तो मैंने स्टार्ट किया केक बनाना। फिलहाल केक तो जल चुका है, मुझे केक बनाना नहीं आया है, और मेरा केक बिल्कुल लकड़ी हो गया, लकड़ी। किसी को मार दूँ तो खून निकल है, तो मैं इधर से निराश हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, देख सकते हो आप। ये देखो, ये है केक, केक। फ्रेंड्स, फाइनली हमारा डिनर हो गया कम्प्लीट। ये मेरी सिमई है जो कि माइक्रोवेव में ही गर्म हो जाएंगी, नूडल्स भी माइक्रोवेव में ही गर्म हो जाएंगे, सब्जी भी सब में धनिया डालना है मुझे, रोटी और राइस थोड़ा सा बनाए क्योंकि शायद ही खाएंगे तो ज़्यादा, और इधर दही बड़े, और इस पर मैं चटनी वगैरह डालनी है, तो इसको फटाफट कम्प्लीट कर लेती हूँ। तो हमारे दही बड़े भी हो चुके हैं रेडी, और हमारी सब्जी भी हो चुकी है फिर से थोड़ी सी गर्म। चलो हम चलते हैं डिनर करने के लिए। आई होप, उम्मीद करूँगी कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।